आज सावन के चौथे सोमवार पर बिहार के जहानाबाद में देर रात को ये बड़ा हादसा हुआ है। मखदुमपुर के वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कई लोगों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सुबह तड़के से ही लोग कतारों में थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए काफी संख्या में भीड़ एक साथ पहुंची थी, और जैसे ये घटनाक्रम हुआ पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। दरअसल सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए काफी भीड़ होती है, और सोमवारी के मौके पर भीड़ बढ़ जाती है। इसको देखते हुए रविवार रात से ही जल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भगवान शिव को जलाभिषेक चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच गई थी, और आज चौथा सोमवार है, आज भी भगदड़ की स्थिति बनी। कतार में खड़े भक्तों की धक्का मुक्की की वजह से वो रेलिंग टूट गई, और उसकी वजह से ये हादसा हो गया। तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक सब मौके पर पहुंचे, मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। तीन सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, तीन सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। प्रत्यर्थियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी, और उन लोगों ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पर हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक ब्लॉक पे आपसे बात। अधिकारी तो आप में डीएम एसपी आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या। ये तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं उनका, फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही हैं, और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी पड़ी है? अभी हमारे पास 7 है। जो रेलिंग था ऊपर का वो टूट गया, जिसमें करीब बहुत से लोगों की जान भी गई है। करीब यहाँ जहानाबाद का पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पे अभी कुछ लोग आए हैं, बाकी मखदुमपुर में है, और लोगों को अभी तलाश जारी है। मृतकों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी तक करीब यहाँ पे अभी 10-12 है, अभी मखदुमपुर में और है, और गया भी गया है। इसकी चेक-चूक मानते हैं? थोड़ा सा प्रशासन की लापरवाही से भी सब होता है।